हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैथ्स में आज है आपका टॉपिक है चेक योर माइंड। आज हम आप लोगों का माइंड चेक करेंगे कि आप लोग कितना तेज हुए चैप्टर वन में, चैप्टर वन पढ़ के। आप लोग का जो है हम चैप्टर वन का पूरा सब कुछ पढ़ा चुके हैं जो भी था। अब जो है चेक योर माइंड है, आप खुद से अपना माइंड जो है चेक कर सकते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं आप लोगों के पास कितना माइंड है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। ए नंबर क्वेश्चन है द प्रेडिसेसर ऑफ 1000 इच। 1000 का प्रेडिसेसर क्या होगा, 1000 का क्या होगा प्रेडिसेसर, आप लोग को पता है प्री डी से सेसर मीन्स क्या बताते हैं, सू सेसर जो होता है वो प्लस वन होता है, मतलब जस्ट आफ्टर। एंड प्री डी सेसर मीन्स क्या हुआ कि बिफोर, मतलब एक पहले। तो 1000 से एक पहले क्या होगा, इसमें माइनस वन करेंगे, माइनस वन करेंगे तो क्या होगा, हम लोग को क्या मिलेगा, इसका प्री डी सेसर हो जाएगा 999। आप लोग करके देख सकते हैं। बी नंबर क्वेश्चन है हाउ मेनी फोर डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल, क्या होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन के लिए है हाउ मेनी फोर डिजिट नंबर आर देयर इन ऑल। ये क्वेश्चन लगता है हमको आप लोगों के लिए नहीं हुआ, नया है, आप लोगों ने बनाया नहीं है, लेकिन हम आप लोगों को बता सकते हैं हाउ मेनी फोर डिजिट नंबर्स आर देयर, मतलब कितने फोर डिजिट नंबर कितने होते हैं। तो फोर डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, आप लोग देख सकते हैं 999 के बाद जो 1000 है ये फोर डिजिट नंबर है। तो 1000 से लेकर टू कहां तक 9999, ये भी फोर डिजिट नंबर, ये भी फोर डिजिट नंबर है। इन दोनों के बीच में टोटल नंबर्स कितने हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे फोर डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर क्या है 9999, और फोर डिजिट का ही हम स्मॉलेस्ट नंबर लिखेंगे, क्या लिखेंगे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 1000। इसको हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे। अगर कोई भी नंबर जाकर के कोई थ्री डिजिट नंबर ही बोलेगा टोटल निकालने के लिए, तो हम उसके ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो ये क्या होगा 999 और ये 1, और उसमें क्या करेंगे इसमें इसके बाद ये तो होंगे 8999, इसमें हम 1 ऐड कर देंगे, क्या करेंगे इसमें इसके साथ हम क्या करेंगे टोटल 4 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा, टोटल 4 डिजिट नंबर, ये NUMBER नंबर है, इसको क्या करेंगे 9+1 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा 0001 9000। इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है वन नंबर ऑप्शन 9000, टोटल जो है फोर डिजिट नंबर कितने होंगे टोटल 9000। सी नंबर है द फेस वैल्यू ऑफ 3 इज डैश इज, फेस वैल्यू हम आप लोगों को बताए थे, फेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू के लिए कोई भी डिजिट होगा किसी भी तरह का होगा उसका फेस वैल्यू अगर बोला जाएगा तो फेस वैल्यू क्या होगा उसका वही रह जाएगा, जो डिजिट है वही उसका फेस वैल्यू होगा। जैसे इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है द फेस वैल्यू ऑफ 3 इन क्या होगा, ये सी नंबर क्वेश्चन है आपका 1356 में 6 का 3 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो FAC फेस वैल्यू ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 ही रह जाएगा, फेस वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं आता है।
डी नंबर क्या है, डी नंबर है 9000 प्लस 0 प्लस 70 प्लस 6 इक्वल टू व्हाट। तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 9076 प्लस कर देते क्या होगा 6709। यानी तो ये क्या है 1000 है, ये क्या है, ये है 10th प्लेस है, ये 1th प्लेस है, तो 1th प्लेस पे क्या है 6 है, 10th प्लेस पे 709 आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसे भी करेंगे यानी तो ऐड भी कर लेंगे तो आप लोगों का सही हो जाएगा। फिर ई नंबर क्वेश्चन में क्या है, 9696 राउंडेड ऑफ द नियरेस्ट 100 इज, इसका नियरेस्ट 100 आप लोग को बता चुके हैं 9696। नियरेस्ट 100 निकालने के लिए जैसे 100 प्लस पे क्या है 6 है, तो नियरेस्ट 100 निकालने के लिए क्या करेंगे 10th प्लेस को देखेंगे, ये 9 है, ये 5 से क्या है ज्यादा है, ये क्या है 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या होगा 1 ऐड हो जाएगा, बाकी ये 10th और 1th प्लेस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 00617 ये 9, तो इसका नियरेस्ट 100 क्या हो गया 9700 सेकेंड नंबर। राइट द नंबर नेम ऑफ द फॉलोइंग, आप लोग ये कर सकते हैं कि नंबर नेम्स को हम लोग कैसे लिखते हैं ये हम आपको बता चुके हैं। फिर है फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट वैल्यू ऑफ नंबर्स, इसको क्या करेंगे हम लोग जैसे बताए थे कि प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं, टोटल प्लेस वैल्यू निकाल देंगे। और बी नंबर में क्या है 0 है तो यहाँ पे 1 पे 0, 40 है तो क्या होगा 4, इसलिए भी 4 हो जाएगा 100 प्लेस पे और 1000 प्लेस पे 9। ये बी नंबर बना के हम दिखा सकते हैं 3 का बी नंबर क्वेश्चन क्या है, बॉक्स है दिया हुआ आपको और इसमें पहले 0 फिर 40 400 और 9000, तो 1000 प्लेस क्या होगा 0449 आपका नंबर ये निकल जाएगा। फिर है 4 नंबर क्वेश्चन में सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर, आप कैसे कीजिएगा, प्रेडिसेसर क्या होता है वो हम आपको बता चुके हैं जस्ट बिफोर, और सक्सेसर क्या होता है जस्ट आफ्टर। फिर है 5 नंबर क्वेश्चन में अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, इसमें क्या करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा डिसेंडिंग में, ये हम कंपेयर वाले चैप्टर में आप लोग पढ़ा चुके हैं, इसी चैप्टर के कंपेरिजन वाले वीडियो में आप लोग देखिएगा कंपेयर कैसे करते हैं हम असेंडिंग डिसेंडिंग करते हैं। ये हो गया पेज नंबर आपका 16 और 17 है, ये क्या है 15 और 17 का आज हम ये करवाए हैं आप लोग का, ये टोटल कंप्लीट हो गया है। कल वेडनेसडे है, आप लोगों का कॉपी चेक है तो आप लोग साफ साफ राइटिंग में कॉपी जमा कर दीजिएगा स्कूल में ऑफिस में और हम आपको चेक करके रिटर्न कर देंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोगों को हम बताए थे कि एक वीडियो बना करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग सेंड कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पर हम व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं 8292196856 ये नंबर है, आप लोग को ग्रुप में मिल जाएगा स्कूल वाले ग्रुप में, और जैसे कोई भी क्वेश्चन का आप लोगों को प्रॉब्लम है तो वो आप अपनी वीडियो बना के भेज सकते हैं कि सर हमको चैप्टर 1C का ये नंबर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो हम आपके वीडियो को भी YouTube पे डालेंगे आंसर के साथ, हम आंसर करेंगे, आप लोग जल्दी से जो जो भी जितने प्रॉब्लम्स है वो करके भेजिए ताकि हम जल्दी से उसका आंसर करके आपको सेंड कर सकें। थैंक यू।